वैसे मानना पड़ेगा आजकल ये जो रैंप शोज होते हैं ना, बड़े नायाब तरीके से ऑर्गेनाइज होते थे। एक जमाना होता था कि भैया फैशन शो, यानी कि इंडोर सेटअप होता था, रैंप बनाया जाता था और मॉडल्स उस पर वॉक करती थी। वैसे रैंप शो से याद आया, पता है ना सिमर में क्या हुआ, उप्स मोमेंट हो गया। जी हाँ, लेकिन चिंता मत कीजिए, बड़ी माँ ने भी जो जिम्मेदार था इस उप्स वाले मोमेंट के लिए, उसको जोरदार तमाचा लगाया है। अच्छाई का बोलबाला, बुराई का बूकाला, जैसे करनी वैसी भरनी, आज बड़ी माँ ने इशिता को ये समझा दिया है बड़े ही अच्छे से। सिमर हमारे घर की इज्जत है और तुमने हमारे घर की इज्जत को ही उछाला। मेरी सिमर की इज्जत के साथ खेलने का सोचा भी कैसे तुमने? ओसवाल परिवार की बहुओं ने रैंप शो में हिस्सा लिया था, सिमर और इशिता भी इसका हिस्सा बनी। अब इशिता चाहती है फेवरेट बहू बनना, जिसके लिए वो हमेशा सिमर को नीचा दिखाना चाहती है। फिर क्या उसने फैशन शो में कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते बेचारी सिमर के साथ उप्स मोमेंट हो गया। आप मुझसे ये पूछोगे मैंने कौन सा गुनाह नहीं किया है, यू नो मैं जब से आई हूँ मैं सिर्फ गुनाह ही करती जा रही हूँ। तो आई थिंक ये सारे थप्पड़ ना इन सब के बदले मिला है, मुझे एक साथ ही मिल गया है। अब ये सब कुछ इशिता ने करवाया है, जब इसके बारे में पता चला ना बड़ी माँ को, तब देखिए उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, इशिता का मुँह काला कर दिया। बड़ी माँ का फॉर्मेट है मुँह पे कालिक पोतना, तो ठीक है वो भी देख लेंगे। और उसे सबक सिखाने के लिए फिर दो तीन बड़े बड़े डायलॉग भी बोल दिए। अच्छाई का बोलबाला, बुराई का भूखा, ओसवाल परिवार के लिए एक तो उनकी बहू का इतना बड़ा स्टेप लेना, मतलब उसके बहकावे में आके अगर सिमर कर भी रही है तो उसके साथ फिर ऐसा कुछ करना, मतलब यू नो जिससे ऐसी मिस हैपनिंग हो, वो बहुत बड़ी बात है फॉर बड़ी माँ, फॉर संध्या, फॉर इवन फॉर माय मॉम। तो वो उनको अच्छा नहीं लगा, दैट इज़ व्हाई दे वर लाइक कि आप माफ़ी मांगो। अब यही होना चाहिए, जिसने जो काम किया ना उसे सजा उसी वक्त मिल जानी चाहिए। फिलहाल जरा इशिता को देखिए अपना कैसे फोटो सेशन करवा रही है। अब भी पर्दे के पीछे की कहानी में ये पल कैमरे में कैप्चर करना चाहते हैं ये सभी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।